हेलो एवरीवन, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2019 JSSC में आया बम्पर वैकेंसी। वैकेंसी डिटेल, अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फ़ी, इन सभी टॉपिकों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। स्क्रॉल करके डाउन जाएंगे, झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता 2019, इसको जो है रिवाइज करके फिर से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। परीक्षा शुल्क जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी वो 1000 है, और आपको जो है SC ST के लिए जो छूट है, जो भी अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 250 रुपये जो है आपको लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो है UR में जो है 155 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 36, टोटल जो है 362। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो है आपको 362 टोटल सीट है, महिला के लिए और PWBD के लिए जो है आपको सीट अलग से है। उसके बाद जो है आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का UR के लिए आपको 90 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 सीट है, एक पद आदिम जनजाति के लिए जो है सम्मिलित है। उसके बाद जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए 18, अत्यंत पिछड़ा जो है फर्स्ट के लिए 15, पिछड़ा वर्ग सेकंड के लिए जो है आपको 13, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 22 है और टोटल जो है आपको 223 है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का बात करें तो UR के लिए जो है 68 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 27, एक पद जो है आपका आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, अनुसूचित जाति के लिए 14, अत्यंत पिछड़ा वर्ग फर्स्ट के लिए 17 और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके लिए 13, टोटल जो है 139 है। उसके बाद हम बात करें अंचल निरीक्षक सह का, तो UR के लिए 69 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 18, अत्यंत पिछड़ा फर्स्ट के लिए 11, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति सेकंड के लिए 8, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 8 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 सीट है। टोटल बात करें अंचल निरीक्षक का तो 170 जो है टोटल वैकेंसी है। उसके बाद जो है सहकारिता पदाधिकारी के लिए जो है अनारक्षित का 97 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 62, एक पद जो है आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 19 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 24 है, टोटल जो है 241 सीट है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए UR का 3 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पद नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए भी कोई सीट नहीं है, यहाँ पे टोटल जो है 5 सीट है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए जो है UR के लिए 51, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अनुसूचित जाति के लिए 13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और EWS जो है आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 12, टोटल जो है 120 वैकेंसी है। बात करें यहाँ क्वालिफिकेशन की तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक या समकक्ष डिग्री, सभी पद के लिए जो है आपको स्नातक या समकक्ष चाहिए। बात करें दोस्तों आयु सीमा की तो आयु सीमा जो है मिनिमम आपको 21 वर्ष होना चाहिए और UR के लिए मैक्सिमम जो है 35 साल होना चाहिए और जिनको आरक्षण मिलते हैं एज पर जो है उनका कास्ट उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मिनिमम जो है आपको UR के लिए 21 है और मैक्सिमम जो है UR के लिए 35 एज है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है और महिला के लिए 38 है और आपको जो सूचित जनजाति के लिए जो है मैक्सिमम एज 40 है। आपको जो एग्ज़ाम की बात करें तो 20 मिनट। अब हम बात करते हैं आपको जो है डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जिस भी आप समुदाय
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप अनुसूचित जनजाति के हैं या SC के हैं या ST से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको जो है जो भी सर्टिफिकेट हो वो आपको देने हैं, या नहीं है आपके पास तो बनवाने हैं। अप्लीकेशन में आपको एज ए मैट्रिक जो भी आपका क्वालिफिकेशन में नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फिल करना है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद परीक्षा की बात करें तो दो पार्ट में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट में जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस में आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। पत्र सामान्य ज्ञान में जो है कुल प्रश्न 120 होगा, 2 घंटे एक होगा। सामान्य अध्ययन से आपका 30% रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और मानसिक क्षमता जांच से आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, उससे टोटल जो है आपका 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है आपका वो सभी दिया गया है। आपको सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है, आपको जो है फिर सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, सामान्य गणित में आपको क्या पढ़ना है, ये सारा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। मानसिक जाँच क्षमता में आपको क्या पढ़ना है और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। ज़्यादा मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन में दिया गया है सिलेबस, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। उसमें आपको जो है 60 नंबर जो है हिंदी भाषा से रहेगा और 60 मार्क्स का आपका जो है अंग्रेजी भाषा से रहेगा, यानी कि टोटल बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।